जॉनसन, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी में आज मस्ती है ना? हाँ यार, सीएम यहाँ से झंडा फहराने के लिए निकल चुके हैं, जल्दी से बीच रोड क्लियर करो। झंडा ले लो भैया, 10 रुपए का। भैया भैया ले लो ना, तिरंगा झंडा ले लो ना, तिरंगा झंडा ले लो भैया। भैया भैया 10 रुपए का झंडा ले लो भैया, ये ले दे। नहीं चाहिए जाना। कंगाल कहेंगे 10 रुपए देकर एक झंडा भी नहीं खरीद सकते, इन्हें आजादी बेकार में दिलाई छे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सेम टू यू, बाय बाय। सर चाय, सर मैडम चाय, सर चाय। सर ये लीजिए आपकी चाय, कम शुगर वाली। थैंक्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर, ये ले रख ले। थैंक यू सर। सर पैसे देकर पुलिस वालों का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सर मैं 50 साल का हो गया हूँ, मुझे शुगर है घर वाली को भी याद नहीं है, लेकिन ये लड़का कभी नहीं भूलता है, इसीलिए। सर आप चाय पी के जल्दी से एक ग्लास दीजिए ना, मुझे जाना भी है। तेरा काम तो चाय पिलाना है, और इससे बड़ा क्या काम है? नहीं सर, मुझे ये सारे तिरंगे बेचने हैं सर, और शाम से पहले बेचने हैं, नहीं तो 4 बजे के बाद कोई नहीं खरीदेगा सर। लोगों की नफ्स तू जानता है, बहुत कमाएगा, जा। थैंक यू सर, ओके सर, चलता हूँ सर। यस पुलिस कंट्रोल रूम। सर सर मेरे घर में 2 नकाबपोश आए, कहने और पैसे सब लूट के ले गए, हमारे सर पे पिस्तौल तान के सब ले गए। आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी पेंशन का सारा पैसा ले गए। आज जल्दी आइए ना। एड्रेस बताइए। नंबर 15 सेकंड स्ट्रीट, गांधीनगर, अडियार। आप घबराइए नहीं, 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, हाँ बोलो। सर अचानक हमारे घर में 2 नकाबपोश घुसा है सर, सेवर और पैसा सब लूट कर ले गए सर, आप जल्दी आइए सर। अभी अभी तो बताया पुलिस पहुँचने ही वाली है। नहीं सर, मैं तो अभी अभी फोन कर रहा हूँ। गांधीनगर नंबर 15 सेकेंड स्ट्रीट अडियारी है ना? नहीं सर, मैं इंदिरा नगर से बोल रहा हूँ। इंदिरा नगर से? घबराइए नहीं सर। अगस्त 15 आज हमारा गणतंत्र दिवस है, और इस दिन को धूमधाम से मनाने वाले मेरे छात्र छात्राओं। सर स्वतंत्रता दिवस के बदले गणतंत्र दिवस बोल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, पिछली बार के समारोह में तुलसीदास के बदले कबीर दास बोल रहा था, उसके लिए क्या बोलोगी? ये भी ना। हाँ बोलो। क्यों जी, मैंने मछली लाने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? देखो अभी अभी तो इसने भाषण देना शुरू किया है, झंडा फहरा लेने दो, फिर तुम्हारे लिए सुरमई मछली लेके आऊंगा, रखता हूँ। हाँ बोलो। सर इस वक्त आप कहाँ हैं सर? जल्दी से इंदिरानगर और गांधीनगर के लिए निकलिए सर। क्यों, क्या हुआ? वहाँ रॉबरीज हो रही है सर। रॉबरी हुई है ना सर? 8 घरों में चोरी हो चुकी है। क्या कहा?
8 घरों में? हाँ सर। दूसरे राज्यों से आके घुस गए हैं क्या? सर 8 नहीं 9 घर। ए, जल जल्दी चल। अन्ना सवाधी रेलवे स्टेशन सेक्रेटेरिएट, वहाँ की सारी पुलिस को तुरंत स्पॉट पे आने के लिए बोलो। एक ये है जो मछली मछली बोल के मेरी जान खाई जा रही है। सेक्रेटेरिएट में सीएम के झंडा फहराने के बाद वापस थाने जा रहा हूँ। सर आपके सर्किल में अगस्टिन स्ट्रीट और राजा नगर स्ट्रीट में करीब 7 घरों में गन पॉइंट पे चोरी हुई है सर। गन पॉइंट पे चोरी? अभी तक अडयार और बसंत नगर के 18 घरों में चोरी हुई है सर। एयरपोर्ट पे सर्विलेंस पे जितने हैं सबको बुला लो। ए, इंदिरा नगर या मैजिस्टिक रोड जाना है, आखिर जाना कहाँ ये बताओ। सर इंदिरा नगर के 4 घरों में चोरी हुई है सर, और मैजिस्टिक रोड के 6 घरों में। बड़ा पाव 4 समोसा 6, तू होटल में बैठ के ऑर्डर दे रहा है क्या? आखिर चोर है कौन? आप फौरन वहाँ से निकलिए सर। अभी तो झंडा फहराना शुरू किया है, चॉकलेट भी नहीं मिली है। सर आपके सर्किल में महालक्ष्मी गली में 9 घरों में चोरियां हो चुकी हैं सर। 9 घरों में? शास्ता कॉलोनी में 3 घरों में, वहाँ फौरन जाइए सर। ए, शास्ता कॉलोनी मेरे एरिया में नहीं आता है ना? सर आडियार और बसंत नगर में अभी तक 36 घरों से भी ज्यादा लगातार एक के बाद एक चोरियां हो रही है सर। नगर फर्स्ट स्ट्रीट, शास्त्री नगर 15 स्ट्रीट, गांधी नगर 5th स्ट्रीट, बोल भाई अंडाली स्ट्रीट या कृष्णा स्वामी स्ट्रीट, दोनों के बीच में ही खड़ा हूँ, किधर जाना है? आडियान, तिरवान मयूर, बसंत नगर, सीआईटी कॉलोनी, कुल मिला के 49 घरों में चोरियां हुई है सर। क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस के दिन 49 घरों में? अच्छा इसके बाद तो कॉल आनी रुक गई ना, अब तो कोई कॉल नहीं आ रही है ना? नहीं सर 5 मिनट से तो कोई कॉल नहीं आई। ये भी घड़ी घड़ी परेशान किया जा रही है। हाँ बोलो। अरे तुम मछली लाने वाले हो कि नहीं? आज से मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, अब फोन लगा और मार। जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई है वहाँ के सभी इंस्पेक्टर्स को पुलिस हेडक्वार्टर में असेंबल होना है। क्विक, इट्स कमिश्नर्स ऑर्डर। कमिश्नर 15 अगस्त के दिन तुम क्या कर रहे हो? फोन पे फोन आ रहे हैं, जवाब देना भारी पड़ रहा है। उसी बारे में मीटिंग चल रही है सर, जैसे ही खत्म होगी मैं खुद फोन करूंगा। ये भी एक जब देखो तब। कहाँ है वो J2 इंस्पेक्टर सुरेश, दिखाई नहीं दे रहा है? अटो, 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 अटो। सर तेरे एरिया में ही ज्यादा रॉबरीज हुई, कहाँ गया था तू? सर होम मिनिस्टर के साथ स्कूल पे गया था सर। ओहो, तुझे अपने साथ में रखकर वो मुझे यहाँ फोन कर रहा है? नॉनसेंस, पुलिस के हिस्ट्री में पहली बार अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे के दिन कितनी बड़ी रॉबरीज हुई है, और 49 घरों में डकैती पड़ने तक तुम सारे के सारे कर क्या रहे थे है? सर यहाँ चेन्नई शहर में 100 नंबर पे कोई डायल करता है तो हमारा रिस्पांस टाइम मैक्सिमम 7 मिनट का होता है सर, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में हम पहुँच जाते हैं सर, लेकिन आज हमारी फोर्स पूरे शहर में बिखरी हुई थी इसलिए 15 मिनट लग गए सर। जब इतने सारे कॉल्स आए तभी उस एरिया को अलर्ट कर दिया होता तो इतने घरों में चोरियां नहीं होती। जैसे जैसे कॉल्स आती गई सारे एरियाज में मिनिमम फोर्स भेज दी गई थी सर, फिर भी हम रोक नहीं पाए क्योंकि उनका पैटर्न अगर देखा जाए तो उन्होंने छोटे मोटे घरों में चोरी नहीं की है सर, पहले से ही जहां चोरी करनी थी प्लान किया हुआ था। इसमें देखने वाली बात यह है कि वो लोग हर एक घर का ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से जानते थे सर। What? जिन घरों में चोरी हुई वहाँ पर जाकर हमने जब पूछताछ की तो जेवर पैसा कहाँ कहाँ रखा है वो ये सब जानते थे, इसलिए एक मिनट भी गवाए बिना उन्होंने चोरियां की है। क्या कोई कन्विंस करने वाला क्लू मिला है?
सर, नो फिंगरप्रिंट्स, नो फुटप्रिंट्स। यहाँ तक कि स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया, नो यूज। पूछताछ करने के बाद सबका एक ही जवाब, ब्लैक ड्रेस पहने हुए फेस मास्क में दो लोग, एक गन पॉइंट पे खड़ा रखता था और दूसरा लूटता था सर। 49 घर, पूरा शहर दहल गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई क्लू नहीं मिला सर। 49 घरों में से 32 घरों में सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन 12 घरों में काम नहीं कर रहा है। बाकी के 20 घरों में सर, चोरी होने वाले कुछ घरों के अंदर फुटेज क्रैश हो गए, नो फुटेज सर। एक दिन का 1.5 GB डाटा फ्री देंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही। डिजिटल इंडिया, गायत्री को बुलाओ। अरे कॉल। अरे मैं घर की सफाई करने आई हूँ। एक औरत से इतना घबराना पड़ रहा है? घबराए नहीं, मैं कांप गया था, फट गई थी। अपने सारे लौंडे रात को ही बाहर निकल जाएंगे, हमें भी यहाँ से निकलना है। बाकी भैया संभाल लेंगे, तू डर मत। दरवाजा खोल रही चट्टी, आज मैं बहुत मूड में हूँ। अरे दीदी उन्हें कुछ मत करिएगा, वो मेरे पति हैं। आज मैं तुझे क्या बैंक के ऑफिसर आए हुए हैं? कोरोना वायरस का थोबड़ा, मैं 2 दिन से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुना नहीं। ओ, सुना नहीं इसलिए खोला नहीं, तू बंदी कर रही है। ज्यादा बोलेगी तो कुछ ना कुछ बोल दूंगा। क्यों रे, रात को घर नहीं आई, कहाँ घूम रही थी? शराब पीकर आकर तो मुझे ताने मार रहा है। ए, मैं शराबी हूँ, ऐसे ही पीऊंगा। जवाब दे रही है, ए, ये खींच के। अच्छा, तूने इन दोनों को किडनैप किया या इन दोनों ने तुझे किडनैप किया? क्यों रे, गुंडों से धमकी दिलवा रही है? पति है इसलिए आराम से बात कर रही हूँ, जंगली बेवड़ा कहीं का। तो किसे जंगली बोल रही है? हाँ मैं जंगली हूँ, एक नंबर का जंगली। ऑफिसर, ए, कौन है ये? और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? पता नहीं। अरे यहाँ तो 3-3 लोग है, तेरा दिमाग खराब हो गया? तू कौन है? क्यों रे काशी, क्या चल रहा है? ए, देख क्या रहा, उड़ाओ उसे। मैडम, क्यों रे, शायद जिंदगी में पहली बार डर रहा है। जब मेरे लड़के थे तब तो तू आई नहीं, अब यहाँ आकर रौब झाड़ रही है। तेरे भाई लोग गांव चले गए हैं ऐसा सोच रहा है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ मॉर्चरी नाम का एक एसी रूम है, वहां पर वो सो रहे हैं, वो भी बड़े ही आराम से। तेरे जुर्म के लिए तुझ पर केस फाइल करेंगे तो तू क्या पुलिस वालों के परिवार को ही जला देगा? इसका अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले। तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा, इसीलिए क्यों कोर्ट केस जेल वगैरह गवर्नमेंट का बेकार में खर्चा? कुमार, रायपुरम गैंग वॉर में काशी को टपका दिया बोलकर बॉडी को मॉर्चरी में भिजवा दो। ओके मैडम। हेलो मैडम, जल्दी से कमिश्नर ऑफिस आइए, सिटी में 49 घरों में रॉबरी हुई है। व्हाट? दो ही लोग, पूरे शहर में 49 घर, जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं वो देखकर पक्का प्लान करके चोरी की है। चुराए गए गहने और पैसों की कुल कीमत 7 करोड़ रुपए, एक क्लू भी नहीं मिला। और देखने वाली बात यह है, जिन घरों में चोरियां हुई हैं उनमें से ज्यादातर घरों के बच्चे अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, कनाडा, ऐसे विदेशों में रहते हैं। सर, ये सिर्फ एक रॉबरी है या? बड़ी चालाकी से ये काम किया गया, किसी पर कोई अटैक नहीं हुआ, सबको गन पॉइंट पर रखकर धमकी देकर उन्होंने गहने और सिर्फ पैसे चुराए हैं, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन। मीडिया वालों ने तो हमारी बचा के रख दी। गायत्री सर, जितनी जल्दी हो सके ये केस क्लोज करो। जिन घरों में बुजुर्ग रहते हैं वो देखकर पक्का प्लान करके चोरी की है। दो ही लोग, पूरे शहर में 49 घर।
जिन घरों में चोरियां हुई हैं उनमें से ज्यादातर घरों के बच्चे अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, कनाडा ऐसे विदेशों में रहते हैं। मैडम आपका शक बिल्कुल सही है, सेम गैंग सेम रॉबरी। मैडम रॉबरी सिर्फ 49 घरों में ही नहीं हुई है, दादी का घर मिलाकर कुल 50 घर। वो घायल हो गई थी इसलिए कंप्लेंट नहीं कर पाई। ओह डॉक्टर सब ठीक तो है ना? एक छोटी माइनर हेड इंजरी है, खून बहुत बह गया है इसीलिए अनकॉन्शियस है। उन्हें कब होश आएगा यह अभी बताना मुश्किल है, अदरवाइज नथिंग टू वरी। ओके थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मैडम फोन लगाइए। मैडम चंद्रू सर से मनमुटाव रखने का ये टाइम नहीं है मैडम, उन्हें जल्दी से कॉल कीजिए मैडम प्लीज। यस हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम चेन्नई, आई लाइक टू स्पीक टू मेजर चंद्रू प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। ही ऑलरेडी लेफ्ट फॉर चेन्नई, इट्स बीन 7 आवर्स। वो सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। ओके क्या हुआ मैडम? चंद्रू ऑलरेडी निकल चुका है। ये आप क्या कह रही हैं? हमें खुद अभी अभी पता चला, तो उन्हें कैसे? तुम चंद्रू को नहीं जानते, क्या तुम्हें याद है गुंडे काशी का छोटा भाई गुना? काशी कहाँ है? कहाँ है तेरा भाई काशी? मेरे भाई को पकड़ने के लिए कितने जाल बिछाए होंगे, और तू मेरे पहले ही बिछाए जाल में फंस गई ना, यही है गुनाह। मजे से मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तुझे कोई डाइवर्ट कर रहा है ये बात सोचे बिना ही बंदूक उठा के चली आई। हाँ गुस्से में इंसान की खोपड़ी घूम जाती है। ये क्या गायत्री, बिना बताए शॉपिंग आधी छोड़कर चली आई, चलो चलते हैं। ब्रो आज ये ऑफ ड्यूटी है, कल ड्यूटी पे होगी तभी पंचायत रखना, हमें कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता है। वो तो सिर्फ पुलिस है, मैं मिलिट्री वाला हूं, दोबारा कभी गायत्री के साथ लफड़ा किया ना तो मारूंगा नहीं, याद रखना ठोक डालूंगा।
ये लो, चले। बढ़िया धुलाई करते हो। तो क्या, तुम पे कोई हाथ उठाएगा और मैं देखता रहूंगा, जान से मार दूंगा। चलो।